हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टिग वेल्डिंग टॉर्च का सेटअप कैसे होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसका किस तरह से सीक्वेंस होता है, किस तरह से टॉर्च का प्रिपरेशन किया जाता है और टिग वेल्डिंग की टंगस्टन का प्रिपरेशन किस तरह से होता है, वो आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं टिग वेल्डिंग टॉर्च की डिज़ाइन और उसके पार्ट्स की सीक्वेंस कैसी होती है। जैसे दोस्तों, दो टाइप्स के टिग के टॉर्च आते हैं, एक गैस लेंस के साथ और दूसरा कॉलेट बॉडी के साथ। जैसे हम लोग यहाँ पे एक डिज़ाइन का सीक्वेंस देख रहे हैं, फर्स्ट राइट हैंड में सिरामिक नोजल यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड सीक्वेंस में आएगी आपकी कॉलेट बॉडी, फिर आएगा कॉलेट, फिर इंसुलेटर और एंड में आएगी आपकी टिग एंड कैप। फर्स्ट है सिरामिक नोजल। सिरामिक नोजल का सिलेक्शन आपके जॉइंट का डिज़ाइन, जैसे कि ग्रू वेल्ड है कि नैरो गैप है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिरामिक का कप साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड सीक्वेंस में आएगी कॉलेट बॉडी और कॉलेट। कॉलेट बॉडी और कॉलेट टंगस्टन की साइज़ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका टंगस्टन 2.4 या 3.2 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेट बॉडी और कॉलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही कॉलेट में टंगस्टन फिट करने के बाद एंड कैप लगा के आपकी टॉर्च रेडी हो जाएगी। इस तरह से टिग वेल्डिंग की टॉर्च असेंबल होके रेडी हो गई। अभी हम लोग देखेंगे टंगस्टन प्रिपरेशन एंड टंगस्टन के टाइप्स कौन से हैं। जैसे कि ये टिग वेल्डिंग में यूज़ होने वाला नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये अलग अलग कलर कोडिंग में, जैसे कि थोरिएटेड टंगस्टन है तो रेड कलर, प्योर टंगस्टन है तो ग्रीन कलर, ऐसे अलग अलग कलर कोड में अवेलेबल होता है। जैसे कि आप माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग कर रहे हो तो रेड कलर का टंगस्टन यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप एल्यूमिनियम वेल्डिंग कर रहे हो तो ग्रीन या वाइट कलर का प्योर टंगस्टन यूज़ करना बेटर रहेगा। टिग वेल्डिंग में टिग टॉर्च की सेटअप के साथ साथ टंगस्टन का प्रिपरेशन सही होना एक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि टंगस्टन का प्रिपरेशन अगर सही नहीं हुआ तो उसमें आपको अनस्टेबल आर्क मिलेगी, पेनेट्रेशन कम मिलेगा, उसकी वजह से टंगस्टन का प्रिपरेशन सही होना ज़रूरी है। टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग करते समय आपको एक स्टेबल आर्क की ज़रूरी होती है और स्टेबल आर्क डिपेंड होता है टंगस्टन की प्रिपरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में दिखाया है कि किस तरह से टंगस्टन का प्रिपरेशन और उसमें स्ट्रेट ग्राउंड लाइनिंग आनी चाहिए। सेकंड इमेज में यहाँ पे रॉन्ग इमेज का प्रिपरेशन दिखाया है कि उसकी वजह से अनस्टेबल आर्क आएगी।